बहुत ही आला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाले नूडल्स। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक सॉस पैन और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। बड़ा वाला कप लिया है हमने। ये देखिए पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 पैकेट नूडल्स के, और हमने लिए हैं कनॉर्ड नूडल्स। आप चाहें तो कोई से भी नूडल्स ले सकते हैं। हमने चटपटा फ्लेवर लिया है क्योंकि ये हम सबको बहुत पसंद है। आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब इसका ये मज़ेदार सा मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। अब नूडल्स को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। और अब इसे कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए ताकि हमारे नूडल्स और अंडे अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब और बच्चों और बड़ों हर एक के पसंदीदा नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज बेगम ने कनोर नूडल्स बनाए हैं और मैं उसको जो है टेस्ट करने जा रहा हूँ और इसका रिव्यू आपको देता हूँ। माशाल्लाह दिखने में तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और सुपर डिलीशियस, यानी कि अंडों से इसका जो है मज़ा दोबारा हो गया। नूडल्स तो वैसे ही लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अंडे डालने से जो है इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो गया। बहुत ही आला। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।